वो गैब कर दी गई। उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ख़ुद अदालत में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि सीसीटीवी फुटेज वो सबूत गैब करना एक जुर्म होता है, वो सामने आए और उस चीज़ को बेनकाब किया जाए जो कि लंदन प्लान का एक हिस्सा था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। नहीं देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी शफाफ और ट्रांसपेरेंट पार्टी है और इसमें हमारे पॉलिटिकल कमेटी है, इसमें कोर कमेटी है और हमने उसके बोर्ड भी बनाए हुए हैं। हमारा वामिन विंग भी है और हमारे सारू सूबों से वामिन विंग को भी कंसिडर किया हुआ है। हमारे जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो इंशाल्लाह कल जुमे से पहले हम जमा कर देंगे। इसमें हमने जो नॉन मुस्लिम है, चाहे उनका हो चाहे वामिन का हो, इसके लिए हमने जो बनाया हुआ वो खान साहब की कंसल्टेशन के साथ वो नाम फाइनल होंगे। हमारे 12 एमएनए साहिबान टोटल 67 वामिन की और 11 नान मुस्लिम की है। बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने किया और इंशाल्लाह सब की नुमाइंदगी हो और सब जो खान साहब का फैसला होगा उस पे सारे लब्बे कहेंगे। शिराजी साहब एक सेकंड, आपके सवाल को शिराजी साहब, बैरिस्टर साहब आपकी इजाजत के साथ, अभी हमने लिस्ट, ये कंवल साहबा मेरे साथ हैं और खान साहब लाल मली साहब भी थे, उनकी लिस्ट मेरे पास थी, उनसे डिस्कस किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उनको नाम बताए गए और उन्होंने अथॉरिटी जो थी वो कंवल साहिबा को, सीमाबिया साहिबा को और जरताज गुल साहिबा को दी थी। शॉर्ट लिस्ट हो गए और नाम तकरीबन फाइनलाइज हैं, तो उन्होंने खुद इसको रिव्यू किया दोनों को। कल का जो एहतजाज होने जा रहा है